जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा किसान लखीमपुर के शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजय मिश्रा श्रेणी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा श्रेणी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अजय मिश्रा श्रेणी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों पर हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसान मजदूर महिला शक्ति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी पूंजी के हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शक्ति को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गारंटी दो, गारंटी दो। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। अग्निवीर योजना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अग्निवीर योजना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अग्निवीर योजना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसान आंदोलन के शहीद साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन के शहीद साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लखीमपुर खीरी के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखीमपुर के शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लखीमपुर के शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसानों के परिवारों से न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। शहीद किसानों के परिवारों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शहीद किसानों के परिवारों को रिहा कर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टकराएगा, टूटे क्या जाएगा।
आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, क्योंकि ये देश भर का आह्वान था कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज तमाम देश के जिलों में तहसीलों में इकट्ठे होकर के ये मांग की है कि जो 3 अक्टूबर 2021 को हमारे 5 किसान जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सैप है, श्री अजय मिश्रा की टहनी की सैप है, उसके बेटे ने गाड़ियां चढ़ा दी थी और उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। हमारी मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे किसानों पर जो 302 लगा के गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए और उन तमाम किसानों के परिवारों को, आश्रितों को नौकरी दी जाए और जो है उनके साथ जो जुल्म जाती है, जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं। इस मांग को लेकर के आज हमने प्रधानमंत्री को जिला उपायुक्तों के तहसीलदारों के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है और आने वाले 26 अक्टूबर को हम देश की तमाम राजधानियों तो बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे तमाम किसान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले टाइम में MSP की संवैधानिक गारंटी को लेकर के और हमारे किसानों को न्याय देने के लिए और तमाम मुकदमे उनके वापस करवाने के लिए और उनके आश्रितों को मुआवजा और नौकरी दिलवाने के लिए ये लंबा आंदोलन चलेगा, इसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि मांग पूरी हो चुकी होगी? जो अजय मिश्रा टैनी है वो तो तरह तरह के बयान देकर पीछे विभागों में दे रहे हैं। देखिए, अजय मिश्रा टैनी ने 25 सितंबर को जो बयान दिया था कि मेरे को तुम जानते नहीं, यहाँ लखीमपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको हम सबक सिखा देंगे, ये बयान के आधार पर उन्होंने 3 अक्टूबर को योजना बना करके और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान वापस घरों को लौट रहे थे, निर्मम हत्या कर दी पीछे से उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा करके। बहुत बड़ा कांड, ये जलियांवाले बाग कांड की तरह पूरा देश स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया और बहुत गुस्सा था। हमारे संयुक्त मोर्चा की नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ से काम लिया, सरकार इस कांड के पीछे देश में हिंसा करवाना चाहती थी और किसान आंदोलन को लाठी के बल पर, गोली के बल पर कुचलना चाहती थी, बहुत समझदारी से काम लेकर के हमने किया। लेकिन उसके बावजूद भी
दोषी लोगों को सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही, उनको बल्कि बढ़ावा दे रही है और ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित कर रखा है जो केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता, उसको तुरंत उसको गिरफ्तार करना चाहिए मंत्री पद से हटा कर। देखिए ये लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, इसका फैसला जब वहाँ धरना चला 3 दिन लगातार 72 घंटे का, जो फैसला हुआ था कि 3 अक्टूबर को सभी पूरे देश के अंदर सभी ब्लॉकों पर सभी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। हमारी एक ही मांग है कि जो गृह राज्य मंत्री है टैणी, उसको बर्खास्त किया जाए और जो मुआवजे की बात थी बाकी किसानों को मुआवजा दिया जाए और जो मुकदमे दर्ज किए गए वो मुकदमे वापस हो और सारे ऐसे ही संयुक्त मोर्चा है जहाँ भी आह्वान आएगा जब तक लखीमपुर खीरी का जो मुख्य अभियुक्त है इसको गिरफ्तार नहीं करते, इसको पद से बर्खास्त नहीं करते, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। MSP जारी नहीं होगी, सरकार नहीं करेगी तब तक हमारा प्रदर्शन। टैणी के लड़के ने अपनी गुंडागर्दी के तहत उन पर टायरों से, गाड़ी के टायरों से रौंद दिया था, उनके लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं DC के माध्यम से। हम साल भर हो गया आज मांग करते करते, आज DC के माध्यम से प्रधानमंत्री को लेटर देकर कह रहे हैं क्या तेरे को न्याय दे। हम आंदोलन भी बड़ा आंदोलन करेंगे और न्याय लेकर करेंगे। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, विदेश के नहीं। हमें अपनी मौलिक अधिकार का हनन होने से बचाने के लिए ये संघर्ष लड़ना पड़ेगा। सूबेदार में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल बामड़ा, मैं संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा सैनिक हरियाणा प्रदेश कमेटी से समर्थन करता हूँ और सरकार ने आंख बंद नहीं करनी चाहिए। जो कंपनसेशन की गारंटी ली थी कंपनसेशन देना चाहिए और केंद्रीय मंत्री उसको बर्खास्त करना चाहिए और उसके बेटे हैं उसको अरेस्ट करना चाहिए और निर्दोष किसान जो थार गाड़ी चढ़ाई है पीछे से उनके ऊपर चढ़ाई है, 5 निर्दोष किसान हमारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके बारे में दूध का दूध पानी का पानी न्याय योजना रखनी चाहिए और सरकार ने पाक साफ करना चाहिए। और एक काम और कर दिया पूर्व सैनिकों के लिए, अग्निवीर अग्निपीठ योजना जो चलाई है ये एक जुर्मम हत्या कर दी है सरकार ने, किसकी, सेना की। बड़ी सातिरदाना हरकत से, एक बड़ी योजना से, बड़ी प्लानिंग से पेंशन बंद करने की योजना कराई है इनने। देखो अग्निवीर जो भर्ती होगा उसकी पेंशन नहीं है, चाहे रेगुलर हो चाहे 4 साल के लिए। तो सरकार कितना सुनियोजित किलाबंदी करके हर नागरिक को, हर कर्मचारी को, हर किसान कामगार को रौंद रही है, जो रौंदने का काम कर रही है। सरकार ने ये मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं देगी तो सरकार को हम बाय बाय करेंगे इसमें।